जय शनि देव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज एक बार पुनः आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं आपके ज्ञान में वर्धन के लिए। और आज का मेरा सबसे ज्यादा जो हॉट टॉपिक है वह टॉपिक है कर्क लगन वाले व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली के अनुसार कर्क लगन है वह व्यक्ति अपने भाग्योदय के लिए क्या प्रयास करें। तो आज का मुख्य विषय है ये, आपको बताने का यह प्रयास है कि आप विभिन्न प्रकार की परेशानियों से अपनी जिंदगी में जूझते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं, तो उन परेशानियों के कारण आ रही विभिन्न प्रकार की बाधाओं को कैसे दूर करते हुए आप जिंदगी के इस पथ पर सफलतापूर्वक निरंतर आगे बढ़ते रहें, इस प्रयास के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। वैदिक उपाय हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी महत्वपूर्ण रिसर्च को, खोज को, वर्षों की अनवरत तपस्या के बाद हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया था, जिन्हें हमने अपने धर्म ग्रंथों में संग्रहित कर संभाल के रखा हुआ है। जिंदगी के पथ पर निरंतर कैसे आगे बढ़ते रहें ताकि आपको कभी भी किसी व्यक्ति से कर्जा लेने की जरूरत ना रहे, किसी प्रकार आपसे आपको धन की कोई कमी आपके जीवन में ना आए, आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ एक खुशनुमा जिंदगी व्यतीत कर सके। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी व्यक्तियों को कहना चाहूंगा, जिन व्यक्तियों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपको ये ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास निरंतर पहुंचते रहेंगे, इनकी इंफॉर्मेशन समय समय पर आपको स्वतः ही प्राप्त होती रहेगी और आप मेरे बताए हुए सुझावों को, परामर्श को अपनी जिंदगी में प्रयोग कर लाभान्वित होते रहेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद नहीं आता तो निसंकोच मेरे वीडियो को डिसलाइक करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये वो ज्ञान है जो हमारे विभिन्न ऋषि मुनियों ने, संतों ने, महात्माओं ने अपनी अनवरत तपस्या के बल पर, अनुसंधान के बल पर आज हम तक पहुंचाया है, और इस ज्ञान को हम आप सभी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो जिंदगी में यह प्रयास कर रहा हूं कि आप सब लोगों के समक्ष कुछ ज्ञानवर्धक बातें रख सकूं, ताकि आप में से बहुत सारे महानुभाव जो धर्म का शोषण करने वाले हैं, जो धर्म को गालियां देने में कोई परहेज नहीं करते हैं, उन सब महानुभावों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हिंदू हो और अपने धर्म का पोषण नहीं कर सकते तो हमारा हिंदू धर्म कभी आपको माफ नहीं करेगा। आपको धर्म के जयचंद के गद्दार के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि आप धर्माचार्यों का
अगर अपमान करेंगे तो सिर्फ गद्दारों के नाम से ही नहीं, देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति स्वयं आपसे कुपित होकर नाराज होकर आपके जिंदगी से सभी प्रकार का ऐश्वर्य छीन लेंगे। यह अटल सत्य है। तो किसी भी धर्म गुरु के बारे में कुछ अपशब्द कहने से पहले एक बार नहीं 1,00,000 बार सोचिए। अगर आपको सड़क पर भीख मांगने की जरूरत महसूस होगी तो आप विभिन्न प्रकार से धर्माचार्यों को, धर्म के लिए कार्य करने वालों को निसंकोच होकर जी भर के गालियां दीजिए, ताकि देवताओं के गुरु देव गुरु बृहस्पति आपसे नाराज होकर आपसे सभी प्रकार का धन संपत्ति और ऐश्वर्य छीन कर आपके हाथ में कटोरा थमा दे। अन्यथा जो व्यक्ति धर्म का पोषण कर रहे हैं, ढोंगी नहीं है, पाखंडी नहीं है, उनका सम्मान करना सीखे। ये कपड़े जो मैं पहन रहा हूं, ये मैंने आपके लिए नहीं पहने हैं। मैं गांधीनगर थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में, जो गांधीनगर की कैपिटल है, वहां पावर हाउस में प्रोजेक्ट इंजीनियर हुआ करता था। आज से 32 साल पहले मैंने अपनी 1-1.5 वर्ष की नौकरी केवल अपनी हॉबी, क्योंकि मेरी धर्म के प्रति गहन रुचि थी, मैं अपने ऋषि मुनियों के द्वारा की गई तपस्या को डिटेल से जानना चाहता था, समझना चाहता था, उनके बनाए हुए सूत्रों के ऊपर विभिन्न प्रकार के अनुभव करना चाहता था, और उन सब को अनुभव करने के पश्चात आप सभी लोगों तक, जो हमारे हिंदू धर्म में अटल विश्वास करते हैं, उन तक पहुंचाना चाहता था। इसलिए मैंने ये पीत वस्त्र धारण किए हैं और धर्म की सेवा भगवान शनि देव के इस मंदिर में बैठकर बहुत वर्षों से करता चला रहा हूं। और ये मंदिर, ये भगवान शनि देव की पीठ किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करके नहीं बनाई है। ये मेरे अपने मेहनत की कमाई से, जब मैंने धर्म की इस लाइन में नहीं आया था उससे पहले मेरे और मेरे बाप दादाओं की संपत्ति से, विशेष रूप से मेरी स्वयं के द्वारा अर्जित की गई धन से इस पीठ को, भगवान शनि देव की इस जगह को ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली जैसी जगह में खरीद कर बनाया है। और न सिर्फ यहां बनाया है, मैं आज ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में भगवान शनि देव की मूर्तियां उन सब देशी और विदेशी लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट भेजता हूं जो मेरे भगवान शनि देव की पूजा अर्चना वहां पर करना और करवाना चाहते हैं। अगर आप में से कोई व्यक्ति किसी भी मंदिर में, चाहे वो देश में है चाहे विदेश में है, भगवान शनि देव की प्रतिमा को स्थापित करना चाहता है, तो वह बिना किसी झिझक के नीचे दिए गए स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर या वेबसाइट के माध्यम से हमसे रिक्वेस्ट कर सकता है और हम उसे निशुल्क भगवान शनि देव की प्रतिमा प्रदान करने के लिए वचन देते हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। श्री कबीर दास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दौ खड़े काके लाखो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिलाए। एक ओर गुरु खड़े हैं, दूसरी ओर ईश्वर खड़े हैं। कबीर दास जी दोनों के मध्य में ये विचार कर रहे हैं कि मैं किसके चरण पहले छूं, मैं किसकी वंदना प्रथम करूं, मैं किसके आगे पहले छीस झुकाऊं, किसकी पूजन करूं। फिर उनके मन से ये पुकार उठती है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिलाए। मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूं जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, मेरे जीवन में ईश्वर आए। इसलिए सर्वप्रथम श्री कबीर दास जी कहते हैं, मुझे गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए।
हमारे इस भारत वर्ष की सुंदर परंपरा जहां सबसे ऊपर हमने गुरु को स्थान दिया, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु है वो सबसे भाग्यशाली है। गुरु का आशीर्वाद हमारे सर पे एक अभय कवच होता है, एक रक्षा कवच होता है। जिसके भी जीवन में गुरु होते हैं वो नित्य ही नई ऊंचाइयों पर बढ़ने लगता है, वो अज्ञान अंधकार को छोड़ के प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर, आनंद की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने लगता है। और जिसके जीवन में अब तक गुरु नहीं उसका जीवन तो अंधकार में ही भटकता रहता है। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत से गुरु होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हमारे माता पिता जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, खाना सिखाते हैं, रहना सिखाते हैं, वो हमारे प्रथम गुरु होते हैं। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, शिक्षक मिलते हैं, वो हमें पढ़ाते हैं, साक्षर बनाते हैं, लिटरेट बनाते हैं, तो वो हमारे दूसरे गुरु हुए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कार्य करते हैं, कोई व्यापार में जाता है, कोई नौकरी में जाता है, वहां जो भी हमें कार्य करना सिखाता है वो हमारा तीसरा गुरु होता है। और उसके बाद जीवन में जब जब जहां जहां हम बढ़ते जाते हैं हमें कोई ना कोई सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला गुरु मिल ही जाता है। अब दूत दत्तात्रेय कृते 24 गुरु थे। उन्होंने तो मछली से लेके, कन्या से लेके, एक वैश्या से लेके सबको ही अपना गुरु माना था। जिससे उन्होंने कुछ सीखा उसको अपना गुरु माना। तो मनुष्य के बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, लेकिन सर्वोपरि होता है वो सच्चा सदगुरु जो आपको कल्याण के मार्ग पर लेके चलता है, वो गुरु जो आपको ईश्वर की ओर लेके चलता है, लेकिन संसार में सबसे पहले उन्नति की ओर लेके चलता है। सांसारिक चीजों में वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, नाम सम्मान में वृद्धि हो, अपने घर परिवार में वृद्धि हो, और फिर ईश्वर का जो हमारा अंतिम पुरुषार्थ है, मुक्ति मोक्ष, उसकी ओर हमें गुरु लेकर के जाते। वो होते हैं सच्चे सदगुरु जो हमें आध्यात्मिक मार्ग देते, जो हमें जीवन का मार्गदर्शन देते। तो इसलिए ये सबसे पवित्र रिश्ता है। और बहुत भाग्यशाली है वो लोग जिनके जीवन में सदगुरु आते हैं। यदि आपके जीवन में अब तक कोई सदगुरु नहीं, आपका जीवन भी अभी भटक रहा है। अपार संसार समुद्र मध्य सम्यज तो मैं शरणम किमस्ति, गुरु कृपालु कृपया देति श्वेष पादांबुज दीर्घ नौका। गुरु के चरण कमल ही ऐसे हैं जिन पे सवार होकर के आप इस संसार को पार कर सकते हैं। गुरु ही एकमात्र वो है जो आपको मार्ग दिखाते हैं। जहां जीवन भटक रहा होता है अंधकार में, आपको प्रकाश की ओर, उन्नति की ओर, कल्याण की ओर लेकर के जाते हैं। अगर आपके जीवन में कोई सच्चा सदगुरु अब तक नहीं आया, आप भी अपने जीवन में अब भी भटक रहे हैं, तो आप हमारे गुरु जी गुरु रजनीश ऋषि जी एवं मुझसे गुरु मारुकमणि जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और मुझसे एवं गुरु जी से सदा सदा के लिए जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में मार्गदर्शन ले सकते हैं, अपने लिए उन्नति के नए द्वार खोल सकते हैं, अपनी सभी कष्ट और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। गुरु दीक्षा हमसे प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पर आप हमें केवल और केवल व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप में अपना पूरा नाम, अपना जन्म का तारीख हमें भेजें, ताकि हम गुरु दीक्षा की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाते हुए समस्त योग के शिष्यों को गुरु दीक्षा प्रदान कर सके। ये एक ऐसा रिश्ता होगा जिससे सदा सदा के लिए आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाएंगे
और हम अवश्य ही आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन देंगे। हमारी समस्त पूजाओं में, हमारे समस्त कार्यों में, हमारे समस्त पुण्यों में आपका भी योगदान होगा, आपका भी भाग होगा, क्योंकि फिर आप हमारे ही परिवार के एक सदस्य होंगे। आप हमारे ऋषि परिवार के एक सदस्य बन जाएंगे। अब तक गुरु रजनीश ऋषि जी से एवं मुझसे 133 देशों के हजारों लोग, जिसमें हर धर्म के, देसी विदेशी हर समुदाय के लोग शामिल हैं, वो गुरु दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। तो गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप हमें फोन ना करें, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसी पर हमें व्हाट्सएप करें और हम समस्त योग्य शिष्यों को गुरु दीक्षा अवश्य ही प्रदान करेंगे। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। तो मैं ये छोटा सा, कहीं जब दिल दुखता है तो ऐसे शब्द निकलते हैं उन दुष्ट और गद्दार लोगों के लिए जो अपने ही धर्म का शोषण कर रहे हैं और अपने ही धर्म को गाली देते हैं। लेकिन अगर किसी लड़की के बारे में बात आ जाए या किसी यंगस्टर्स के बारे में आ जाए, उनकी प्रेमी के बारे में बात आ जाए, तो उनके सारे छठी इंद्रियां खुल जाती हैं और सब धर्म की शरण में भागते हैं। गुरुजी वो मुझसे नाराज हो गई है, गुरुजी वो मुझसे बात नहीं कर रही है, गुरुजी वो लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा है, कृपया मेरी मदद करें, मैं थक गया हूं वशीकरण वाले बाबाओं के चक्कर में। कोई मुझसे कहता है 3 बकरे की बलि दे दो, कोई कहता है पेड़ पर चढ़ जाओ बेटा रात को 12 बजे और उल्लू पकड़ के लाओ, और जब मैं मना करता हूं कि बाबा ये तो मुझको नहीं मिला है, तो कहते हैं ठीक है मैं, मुझे 30,000 रुपए दे दो, मैं खुद उल्लू लाके उसकी बलि अपने आप दे दूंगा। तब उनको हिंदू धर्म की याद आती है, अरे हिंदू धर्म में तो मेरे भाइयों इतनी शक्ति है हमारे वैदिक धर्म में कि आज पूरी दुनिया में उसके ऊपर रिसर्च होती है। जो एरोप्लेन आसमान में उड़ता है वो रावण के पास था, जिसे रावण ने कुबेर जी से लिया था, जिसे हम बाद में भगवान श्री राम पुष्पक विमान के रूप में अयोध्या लेके आए थे। राइट बंधुओं से भी पहले विमान जो उड़ाया गया था वो मुंबई में उड़ाया गया था, चाहे वह 15 मिनट ही उड़ा था, और बाद में उन्हीं राइट बंधुओं ने उस व्यक्ति से बेवकूफ बनाकर उसके यहां से उस विमान से संबंधित सारे पेपर हासिल करके बाद में उस विमान का प्रोटोटाइप बनाकर विमान के कॉपीराइट्स या अन्वेषण का श्रेय अपने सिर पर बांध लिया। ये हमारी वैदिक धर्म है, हमारा वो सनातन धर्म है जो इतना एनरिच है, इतना संपन्न है कि आज दुनिया के हर देश में हजारों लाखों लोग उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अंग्रेज हमारी हस्तलिखित पांडुलिपियां छीन कर ले गए और वहां पर उनके ऊपर रिसर्च होती है, और उन फॉर्मूलों के बल पर उन्होंने पता नहीं कितने आविष्कार किए। और तो और आज के महान संत हमारे स्वामी रामदेव महाराज जी ने भी तो अपने ज्ञान के बल पर हमारी चरक संहिता का अध्ययन कर उन वो कितने पतंजलि योग पीठ को दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति प्रदान कर रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है, हमारे हिंदू धर्म में तो जब नीम की परिभाषा बताई गई, नीम को दातुन के रूप में प्रयोग करना सिखाया गया, तो आज वो दातुन नीम की वो पतली सी डंडी पूरी दुनिया में बिकती है जाकर। ये रोली का तिलक जो हम माथे पर लगाते हैं पूरी दुनिया में बेची जाती है, देशी विदेशी लोग चंदन का लेप कर राधे कृष्ण करते हुए इस्कॉन और अन्य धर्म संप्रदायों से जुड़कर भगवान राम और भगवान कृष्ण की महिमा का दिन रात गुणगान करते हैं। हम क्यों नहीं करते?
हमारे यहां के ये आने जो नई जनरेशन है, देखा गया मंदिर के बाहर जाकर भी यूं करके क्रॉस बनाती है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना नहीं जानती कि भगवान को कैसे प्रणाम किया जाता है। खैर, कुछ तो करते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ और सिर्फ उनका काम है अपने सनातन धर्म की, अपने हिंदू धर्म की लेग पुलिंग करके अपने धर्माचार्यों को गाली देने का काम उन्होंने संभाला हुआ है। अरे ढोंगियों को गाली दीजिए, पाखंडियों को गाली दीजिए, किसने रोका है, कौन मना करता है? ढोंगी और पाखंडियों को गाली मत दीजिए। चलिए, इस विषय को हम यहीं विराम देते हुए पुनः आपका ध्यान आकर्षित करते हैं कर्क लगन वाले उन व्यक्तियों के लिए, भाग्योदय कैसे हो, कैसे कर्क लगन वाले व्यक्ति धन धान्य और सौभाग्य से परिपूर्ण होकर एक स्वस्थ जिंदगी जिए, तो इस मुख्य विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि कर्क लगन वाले व्यक्ति अपने भाग्योदय के लिए अगर अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर वो अपने भाग्य को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, और अगर वो आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कर्क लगन में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको अपनी लगन को मजबूत करेंगे। सबसे पहले लगन को मजबूत करने से आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। तत्पश्चात आप अपने भाग्य को मजबूत करिए। भाग्य को मजबूत करने से आपको ना मिलती हुई चीजें भी मिल जाएंगी, जो आपके भाग्य में बहुत कमजोर अवस्था में पड़ी हुई थी, शायद मिलेंगी शायद नहीं मिलेंगी, वो भी अवश्य प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद आप अपनी आमदनी को मजबूत करिए ताकि आपको कभी पैसे की कमी ना रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, इन तीनों यानी अपनी लगन को, अपने भाग्य को और आमदनी को मजबूत करने के लिए इनसे संबंधित इन ग्रहों की अंगूठियों को अपनी उम्र के हिसाब से, वजन के अनुसार, विशेष रंग के अनुसार, विशेष धातु में, विशेष उंगली में और विशेष हाथ में मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर पहनेंगे। किसी योग्य विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जिनको जागृत किया गया हो या उनसे खरीद कर आपने पहनी हो तो निश्चित रूप से वह आपको धन धान सुख और संपन्नता देने में सक्षम है। धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होती रहेगी। यह उपाय अटल सत्य है। यहां जो ज्ञानी व्यक्ति का मतलब है वह उन व्यक्तियों से है, उन संतों से है, उन पुरुषों से है जो इन मंत्रों की निरंतर साधना करते हैं। अगर मुझे सूर्यदेव की अंगूठी को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करना है और मैं खाली आज उसकी पूजा कर लेता हूं, खाली आज उस मंत्रों की माला कर लेता हूं आपकी अंगूठी को हाथ से पकड़कर, और कल नहीं करता हूं तो वो आपको असर नहीं करेंगे। यह साधना तो जब से मैं इस पथ पर आया हूं, धर्म के इस पथ पर आया हूं, उस दिन से आज तक निरंतर कर रहा हूं। इन मंत्रों की साधना को कभी रोका नहीं जाता है, चाहे आप किसी अंगूठी को सिद्ध कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हमें इन देवताओं को साधना है, उसी को साधना कहते हैं। साधना है, साधना, पहले उनको साध लीजिए, उसी काम को साधना कहते हैं। साधने के दौरान आप महसूस करेंगे, जब आप उनकी निरंतर साधना करते हैं तांत्रिक बीज मंत्र से या बीज मंत्र के माध्यम से, इन सभी ग्रह देवताओं की
जिनकी आप अंगूठियां मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इन अंगूठियों को मंत्र सिद्ध करने के दौरान वो देवता स्वयं हमारे ललाट पर, स्वयं हमारी थर्ड आई पर, तीसरी आंख पर उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस अंगूठी को धारण करने वाले के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह भी अटल सत्य है, मगर यह किसी ढोंगी, पाखंडी, अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति का कार्य नहीं है। यह कार्य है साधना का, यह कार्य है कि वर्षों की तपस्या का, उसका एक हिस्सा आप उस अंगूठी में प्रदान करते हैं, जिस अंगूठी को आप मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कर रहे हैं। और उसके उपरांत भी एक सदगुरु जो होता है, एक सच्ची साधना करने वाला व्यक्ति होता है, वह उस साधना के उपरांत भी उस अंगूठी को उस व्यक्ति तक पहुंचाने के पश्चात या उसको पहनाने के पश्चात भी निरंतर उस व्यक्ति के लिए जिसकी भी उसने अंगूठियां बनाई थी, उसके लिए नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने मुझसे ये अंगूठियां मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर धारण की हैं, जिन्हें मैंने आपके नाम पर तैयार करके उन व्यक्तियों तक पहुंचाया है, उनके जीवन में धन धान सुख शांति और संपन्नता निरंतर बनी रहे। या मैंने उन व्यक्ति जिन व्यक्तियों के लिए मैंने पूजा की है, यज्ञ किया, हवन किया है, या उनसे किसी भी पूजा के लिए पैसे लिए हैं, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं उन व्यक्तियों के लिए निरंतर भगवान से, नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करूं, हे प्रभु जिन जिन व्यक्तियों ने मुझे पूजा के लिए, हवन के लिए, यज्ञ के लिए पैसे दिए हैं, उन सभी व्यक्तियों के जीवन में आप धन धान सुख शांति संपन्नता निरोगी काया प्रदान करना, ऐसी मैं आपसे नित्य प्रति प्रार्थना करता हूं। ऐसी व्यक्ति को ज्ञानी, धर्माचार्य, धर्म के पथ पर चलने वाला, धर्म का पोषण करने वाला कहा जाता है। मुख से वाद विवाद करना या बकवास करना या लंबी लंबी छोड़ना या दो चार श्लोक याद करके, कंठस्थ करके लोगों की के बीच में बैठ के अपने ज्ञान का लोहा मनवाना, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वो है जो आप भगवान से दूसरों की प्रार्थना में इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की संपन्नता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरे सभी भक्त संपन्न हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, उनके जीवन में सुख शांति आए, बीमारियां उनसे दूर रहें, आप ऐसा आशीर्वाद मेरे सभ्यस्त भक्तगणों को प्रदान करो, क्योंकि उन्होंने मुझे इन अंगूठियों के लिए, इस पूजा के लिए पैसे प्रदान किए हैं। आजकल योग्य और ज्ञानी व्यक्ति की परिभाषा बदल गई है, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे आप जैसे लोग ही बताते हैं। अभी पीछे मेरे पास नेटवर्क इंडिया 18 टीवी चैनल से, वहां पर जो पिछले 15 साल से वहां जॉब कर रहे हैं, एक सज्जन आए, उनको बच्चों की पढ़ाई से संबंधित कुछ समस्या थी, उसके बारे में वो चर्चा करने आए थे। उनके दो बच्चे हैं, तो वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल फिसड्डी थे और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे जीवन भर फिसड्डी बने रहे। तो उस विषय में चर्चा करने के लिए जब वो हमारे पास आए तो हमको थोड़ी सी हैरानगी हुई। हमने पूछा, आपको हमारे पास आने की जरूरत क्या रही, आपके तो इतने सारे चैनल हैं, आपका तो चैनल आज न्यूज चैनल तो आपका आज सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में देखा जाता है, आप दावा भी करते हैं हर थोड़ी देर बाद अपने न्यूज चैनल पर, और आपके यहां तो बहुत सारे ज्योतिषाचार्य निरंतर खुद चल के आते हैं, तो आप उनसे परामर्श कर लिए होते, हमारे पास आने की जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा, गुरु जी बस उनके बारे में चर्चा ना ही करें तो अच्छा है, अगर उनसे किसी को फायदा हो सकता होता तो मैं आपके पास क्यों आता। ऐसे ही एक महिला
अपने बच्चों के बारे में बहुत चिंतित थी, वो पिछले 20-25 साल से लगभग आज तक टीवी चैनल में जॉब कर रही है किसी सीनियर पोस्ट पर, उनके भी ऐसे ही अनुभव थे। जब उनसे मैंने कहा कि मैडम आपके टीवी चैनल पर तो बहुत विद्वान विद्वान प्रकांड ज्योतिषाचार्य होने का दावा करने वाले लोग आते हैं, तो आपको इतनी दूर चलकर हमारे पास आने की जरूरत क्या होगी। ऐसे ही ये चर्चा मेरी दिशा टीवी चैनल वालों से हुई, उनके सेल्स मैनेजर से हुई कि भाई आप हमारे पास क्यों जाना चाहते हैं, आपके टीवी चैनल पे तो हर आधे एक घंटे के अंदर एक एस्ट्रोलॉजर आता है, जो पंडित आते हैं। उन्होंने भी कहा प्रभु बस कुछ मत कहिए, अगर हमें लगता कि उनके पास ज्ञान है तो हम आपके पास क्यों आते हैं। और इन सभी सज्जनों ने बाकायदा हमें फीस देकर हमसे परामर्श प्राप्त किया और लाभ प्राप्त किया। हमारे पास आने वालों में केवल टीवी चैनल वाले ही लोग नहीं हैं, एमएलए एमपी एक्स मिनिस्टर भी हैं। एक बड़ा मजेदार अनुभव है जो मैं आपको बताता हूं। अभी पीछे मेरे पास यूपी के एक्स गृह राज्य मंत्री, एक एक्स एमपी के साथ जो समय किसी टिकट के चक्कर में यहां पर आए हुए थे, चुनाव की टिकट के लिए आए हुए थे, दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, वो मेरे पास अपनी जन्म कुंडली को दिखवाने के लिए मेरे पास आए। चर्चा के दौरान ही मुझे पता चला, आके जमीन पर बैठे और चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि मैं यूपी का एक्स गृह राज्य मंत्री हूं, मैं आपको अपना आई कार्ड दिखाता हूं। वो आखिर उन्होंने जब तक अपनी जेबों में से आई कार्ड तलाश करके जब तक मुझे दिखा नहीं दिया तब तक उनको चैन नहीं आया, क्योंकि उनको विश्वास ये दिलाना था कि मैं इतनी बड़ी मिनिस्ट्री प्राप्त कर चुका हूं। तो मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूं, फिर भी आपके समक्ष जमीन पर आके बैठा हूं, मैंने आसन भी नहीं ग्रहण किया है और जमीन पर ही आपके चरणों में आके बैठा हूं, क्योंकि मैं आपके ऊपर अटूट विश्वास करता हूं। ऐसे ही हमारे पास आने वालों में अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के या विभिन्न कंट्रीज के, विभिन्न धर्मों के, यानी सभी धर्मों के ऐसे ऐसे धर्माचार्य भी हैं, चाहे वो जैन धर्म के हों, 70 साल की कोई साध्वी हो, या सिख धर्म से संबंधित लोग हों, जो धर्माचार्य हैं वहां किसी न किसी रूप में धर्म से जुड़े हुए हैं, या क्रिश्चियन चर्च के बिशप, बिशप की पोस्ट जहां तक मेरी जानकारी है 25 साल जो व्यक्ति फादर बनता है चर्च का, उसके बाद बिशप की उसे डिग्री प्राप्त होती है। बहुत सारे मंदिरों के पंडित भी हमसे समय समय पर अपनी परेशानियों को दूर करवाने के लिए मिलते रहे हैं, परामर्श लेते रहे हैं। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि आपको सही रास्ता प्रदान करें, ताकि आप अपने जीवन को सुंदर, सुखमय और धन्य धन्य से परिपूर्ण बना सकें। अगर आपको हमारा बताया हुआ रास्ता पसंद नहीं आता तो हम इसके लिए आपको मजबूर नहीं कर रहे हैं, हम तो एक उपाय बता रहे हैं, आप अपनाइए या मत अपनाइए, ये आपके ऊपर है। अगर उपाय बताने के लिए अगर हम एक छोटी सी फीस लेते हैं इस सारी व्यवस्था को चलाने के लिए, जो हमने आप तक 3000 वीडियो पहुंचाए हैं, वो 3000 वीडियो ऐसे ही तो नहीं बन जाते, तो उन सब में कुछ ना कुछ तो खर्चा आता होगा। और इस संस्था को, इस को चलाने के लिए, इस शनि भगवान की पीठ को चलाने के लिए, दुनिया भर के हम जो फ्री में कभी प्रसाद का प्रोग्राम रखते हैं, कभी कंप्यूटर कोर्स चला रहे हैं पिछले काफी साल से फ्री एजुकेशन के लिए, वो ऐसे ही तो नहीं चल जाता होगा।
तो अगर एक बहुत मामूली सी फीस अगर हम लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान है और दर दर भटकने के बाद ढोंगियों और पाखंडियों से ठगे जाने के उपरांत अगर उसे कोई राहत नहीं मिल रही है तो वो एक बार स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के माध्यम से हमसे संपर्क करें, हमसे वीडियो कॉल, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, वहीं बैठे बैठे बुक कराकर संपर्क करें। जो लोग हमारे आसपास में हैं वो हमारे से मिलने आ सकते हैं। वैसे मिलने तो साउथ अफ्रीका से भी लोग 50,000 रुपए की एक तरफ की टिकट देकर, जो फॉरेनर्स हैं वो हमसे मिलने आते हैं, जिसमें यंगेस्ट बिलियनर है रेफ वेन, जो साउथ अफ्रीका का यंगेस्ट बिलियनर है, वह भी अभी अप्रैल मंथ में हमारे पास 6-7 दिन गुजार के गया। या डॉक्टर निकोल हैं अमेरिका से, वो हमारे पास 35 दिन हमसे गुरु दीक्षा लेके गई। तो आप भी आसपास में अगर आप रह रहे हैं तो आप स्वयं मिलने आए ताकि हम आपको संतुष्ट कर सकें और आपकी मदद कर सकें, यही हमारा सबसे बड़ा प्रयास है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जय शनिदेव।